मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज पार्लियामानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में फाइनेंस बिल की मंजूरी, अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज और हुकूमत हिकमत अमली पर गौर होगा। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन फाइनेंस बिल 2021 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। अपोजिशन ने एहतजाज का प्लान मुरतब कर लिया। मिनी बजट के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। कराची की सेशन कोर्ट मलीर बेनाज़िम जोखियो कत्ल केस की समाअत। मुकदमे में नामजद 5 मुलजमान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। मुलजमान अहाते अदालत से फरार। इस्लामाबाद में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की आज होने वाली कॉन्फ्रेंस मुलतवी। वज़ारत तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते होगी। वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के बाद एक बार फिर तेज। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 5 अफराद जा बहक। 3019 नए केसेस के साथ मस्बत केसेस की शरह 6.12% हो गई। पंजाब के बलाई और मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मौतल। कई परवाजें मंसूख। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम टोल प्लाजा से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M11 भी लाहौर से सियालकोट तक बंद है। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल और गाड़ियों के दरमियान फासला रखने की हिदायत जारी। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम अबर आलूद। वादी लीपा ग्रीस वैली भेडी के शाहराएं 10 रोज से बंद। ठंडी हवाएं चलने से जेल इलाकों में शदीद सर्दी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया। बल्से बाला इलाके सख्त सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। निजामी जिंदगी मफलूज। लोग घरों में महसूर। कराची में भी कड़ाके की सर्दी जारी। क्वेटा में हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज बहाल। ट्रॉमा सेंटर खोल दिया गया। हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ की रिहाई का ऐलान। नए बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 14 रोज भी जारी। उधर जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती तरमीमी कानून 2021 पर सिंध हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समात पर जवाब तलब। समात गैर मुयना मुद्दत तक के लिए मुल्तवी। और सानिहा मरी की तहकीकात का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अफर मिनुल्ला आज समाअत करेंगे।